हेलो स्टूडेंट्स तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स हिंदी में इसको हम प्रकाशी की कहते हैं और आज इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑप्टिक्स के डिस्कस करेंगे जो पॉलीटेक्निक में सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और ऑप्टिक्स में हम स्टार्टिंग करेंगे लाइट से क्योंकि पूरी जो हमारी ऑप्टिक्स है वो लाइट पर आधारित है प्रकाश पर आधारित है तो थोड़ा सा आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें इंट्रोडक्शन लेना है वो लाइट से संबंधित लेना है कि लाइट होती क्या है प्रकाश क्या होता है और इसमें क्या क्या फिनोमिनाज़ होते हैं ये जो पूरी वीडियो है एक एक तरीके से प्रकाश के इंट्रोडक्शन के लिए है तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे प्रकाश जो है उस ऊपर हम कहें कि प्रकाश क्या है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी क्या करेक्ट्रिस्टिक्स हैं और इसके संबंध में क्या क्या थ्योरी थ्योरीज दी गई हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लाइट होती है वो होती क्या है लाइट वास्तव में एक एनर्जी होती है जिसकी जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि सन जो सूर्य है हमारा तो वो एक प्रकाश का एक उत्सर्जक है तो वहाँ पर और जो हमारी जो प्रकाश है ये एनर्जी होती है और जब प्रकाश किसी बॉडी पर पड़ता है तो बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर हमारी रेटिना पर जो प्रकाश आता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है कोई भी बॉडी अगर हम देख रहे हैं तो वो प्रकाश की ही हेल्प से वहाँ पर देख रहे हैं तो प्रकाश की कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो लाइट के बारे में अगर हम देखें कि लाइट होती क्या है तो लाइट एक तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ट्रैवल करती है लाइट uh, की जो प्रॉपर्टी है लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलने चलती है तो प्रकाश को एक स्ट्रेट लाइन में हम कहते हैं कि जो प्रकाश है वो एक स्ट्रेट लाइन में वहाँ पर ये चलती है और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है और इसकी जो प्रकाश की चाल हम देखते हैं कि कि सी जो बराबर प्रकाश की चाल है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है ये प्रकाश की चाल है द हाइएस्ट स्पीड जो अब तक हम कैलकुलेट कर, करते हैं और ये जो हाईएस्ट स्पीड है वो किसकी होती है ये प्रकाश की स्पीड होती है तो प्रकाश इतनी स्पीड से यहाँ पर चलता है और इसकी जो और इसकी जो प्रॉपर्टी में अगर आता है तो हम देखते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है कि लाइट जब मिरर्स पर पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाती है रिफ्लेक्टेड बाई मिरर्स और रिफ्रैक्टेड भी होती है बाई लेंसेज अगर लेंसेज की बात करें तो ये लेंस से वहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाती है तो लेंस से ये रिफ्रैक्ट होती है और जब प्रिज्म से ये देखते हैं तो एक सेवन कलर्स में इसकी ब्रेक हो जाती है और डिस्पर्सन जिसको हम बोलते हैं तो लाइट ए, का डिस्पर्सन भी होता है बाय प्रिज्म और वो वहाँ पर सेवन कलर्स में ब्रेक हो जाती है और वे सेवन कलर्स जो हमारे होते हैं वो विवग्योर एक तरीके से होते हैं तो यहाँ पर ये एक पैटर्न मिलता है और वी, 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 वी से वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो ये एक इस तरह का हमें प्रिंस में एक डिस्पर्सन लाइट का होता है ये उस पिनो को भी शो करती है और जो लाइट है वो इंटरफेरेंस फिनोमिना भी शो करती है इंटरफेरेंस और ये डिफ्रेक्शन फिनोमिना भी शो करती है लाइट और साथ ही पोलराइजेशन का फिनोमिना भी ये शो करती है पोलराइजेशन और भी बहुत सारे आ, कुछ फिनोमिनाज होते हैं जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है जीवन इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी ये शो करती है और तो ये जो हमारे फिनोमिना है ये लाइट की वेव नेचर को शो करते हैं वेव नेचर को शो करते हैं लाइट की आगे हम देखेंगे कि लाइट की ड्यूअल नेचर शो करती है वेव एज वेल एज पार्टिकल तो जो वेव नेचर है वो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो उसके वेव नेचर को शो करती हैं और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या होता है कि जब किसी मेटल पर कोई प्रकाश पड़ता है तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना शुरू हो जाता है तो इसी फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और ये लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है तो ये पार्टिकल नेचर को वहाँ पर बताता है कि जो लाइट है उसके अंदर एक पार्टिकल नेचर भी वहाँ पर ये है तो ये पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है आगे देखेंगे कि ये पार्टिकल नेचर क्या होता है जब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लाइट की लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है उसकी स्पीड थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है जो कि अब तक की हाईएस्ट है और लाइट रिफ्लेक्टेड फिनोमिना भी शो करती है रिफ्क्टेड भी करती है और लाइट का डिस्पर्सन भी होता है सेवन सेवन कलर्स में ब्रेक हो जाना ये इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन को शो करती है जो उसके वेव नेचर को बताता है और साथ ही ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताती है जो पार्टिकल नेचर को शो करता है तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑप्टिक्स के अंदर लाइट के बारे में हुआ क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे लाइट के फिनोमिनाज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आज की वीडियो इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर है तो ये चीज़ें इसकी करेक्ट्रिस्टिक्स हैं लाइट को समझाने के लिए या लाइट को समझने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी वो थ्योरी कौन कौन सी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिक्सटीन सेवेंटी फाइव में ये थ्योरी दी गई न्यूटन्स कॉरपास्क्यूलर थ्योरी इसमें क्या कहा गया न्यूटन ने क्या माना कि जो हमारा प्रकाश है जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में आ रहा है और जिसको एक कणिका को हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं और ये सभी दिशाओं में आ, एक कंटिन्यूसली ये एमिट होती रहती हैं और जब ये आ, जब ये पार्टिकल या हम कहेंगे जो कारपोज से हैं जो कणिका हैं जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें वो वस्तुएं या बॉडी हमें वो दिखाई देने लगती हैं तो इनकी ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट था इन्होंने वहाँ पर एक तरीके से कणिकों कंटिन्यूसली एमिशन को वहाँ पर माना और पार्टिकल माने तो ये यहाँ पर कहते हैं कि जो वेव है वो एक तरीके से पार्टिकल ही है चलिए लेकिन अगर इसके बारे में भी ये कहा गया है कि अगर ये पार्टिकल नेचर को यहाँ पर बता रहे हैं और उससे कणिकाएं या कहीं कम पार्टिकल अमिट हो रहे हैं तो एक तरीके से जो सूर्य का जो वेट है वो धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि सूर्य का वजन कम नहीं होता है तो उस तरीके से हम देखते हैं कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं फेल हो जाती है और भी इसकी कुछ फेलियर्स हैं जो इसके अनुसार हम देखते हैं कि जो डेंसर मीडियम में प्रकाश की चाल है वो ज़्यादा पाई जाती है रेरल मीडियम के कंपेरिजन में जो कि गलत है क्योंकि रेरियर मीडियम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम के कंपेरिजन में तो ये भी वहाँ से एक तरीके से फेल हो जाती है और साथ ही हम देखते हैं कि जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है पोलराइजेशन है इस फिनोमिना को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो उन चीज़ों को देखते हुए ये न्यूटन्स को थ्योरी जो है वहाँ पर ये फेल हो जाती है यहाँ से आगे इसके बाद जो हाइगेंस वेव थ्योरी आती है उन्होंने इसको समझाया उन्होंने कहा कि जो हम कणिकाएं मान रहे हैं वो कणिकाओं वाला कंसेप्ट नहीं है इन्होंने वेव थ्योरी को माना और लाइट वेव तो है लेकिन इन्होंने लॉन्गील उसको वेव माना कि लाइट एक लॉन्गीट्यूडनल वेव है जो तरह एक तरीके से हम उसको लॉन्गीटूडल वेव यहाँ पर उसने माना और वहाँ पर इन्होंने कहा कि अब हम क्योंकि जो वेव्स हमारी होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं लॉन्गीट्यूडनल होती है तो इन्होंने उसको लॉन्गीट्यूडनल माना और कुछ चीज़ें इन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेन की और उन्होंने कहा कि जो लाइट क्योंकि लॉन्गिट्यूडल है तो इन्हें चलने के लिए एक तरीके से मीडियम की आवश्यकता होती है और कुछ एक हाइपोथेटिकल मीडियम इन्होंने माना और वो होता है ईथर और वहाँ पर ईथर के अंदर जो डेंस वेलोसिटी इन्होंने कैलकुलेट की उसका फार्मूला इन्होंने दिया ई अपॉन रो जहाँ पर ई e, उस मीडियम की इलास्टिसिटी है जो ईथर इन्होंने माना कि अगर ईथर से पास होती है तो वहाँ पर उसकी इलास्टिसिटी ई है और वहाँ पर जो उसकी डेंसिटी है वो रो है और इसको मान करके उन्होंने जो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना था रिफ्रैक्शन का फिनोमिना था और जो इंटरफेरेंस है डिफ्रेक्स इंटरफेरेंस है इन प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ पर एक्सप्लेन किया लेकिन जो इसमें पोलराइजेशन का फिनोमिना था ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था तो वहाँ के चलते ये थ्योरी भी थोड़ा सा वहाँ पर ए, ए, फेल हो गई है इसके बाद जो इसके बारे में यंग एंड फ्रेजनल ने भी इसका आ, यहाँ पर अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल नहीं है बल्कि ट्रांसवर्स वेव है यहाँ पर इन्होंने ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने दिया ट्रांसफर्स वेव को हम कैसे दिखाते हैं कुछ इस तरह से हम यहाँ पर दिखाते हैं जिसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं और जिसके पार्टिकल वेव्स के चलने के परपेंडिकुलर वहाँ पर वाइब्रेशंस करते हैं तो उसको ट्रांसफर्स वेव कहते हैं उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रकाश की है वो एक ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स वेव है और इसी के साथ उन्होंने पोलराइजेशन को भी यहाँ से एक्सप्लेन किया लेकिन और भी कुछ चीज़ें थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ये इनकम्प्लीट थ्योरी रही इसके बाद मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वहाँ पर आती है मैक्सवेल ने कहा कि जो प्रकाश है वो एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है और इसकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकंड के बराबर ही होती है और इसमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट दोनों होते हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पर उन्होंने इसका ये कॉन्सेप्ट दिया ये थ्योरी भी एक हद तक फेल हो जाती है क्योंकि ये जो हमारे कुछ फिनोमिनाज़ हैं जैसे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कॉम्प्टन इफेक्ट है जीमान इफेक्ट है रमन इफेक्ट है तो वहाँ को ये वे चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन कौन सी जो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा एक होता है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया एक होता है हमारा जीमान इफेक्ट उसको ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए और एक रमन इफेक्ट होता है उनको भी ये वहाँ पर एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाए थे तो ये चीज़ें भी कुछ हद तक ठीक रही लेकिन कुछ हद तक ये सब वहाँ पर वैलिड नहीं थी इसके बाद जो प्लान क्वांटम थ्योरी आती है उन्होंने इसमें क्या माना उन्होंने माना कि जो हमारे एनर्जी सोर्स से एमिट होती है या सन से एमिट होती है या प्रकाश जब भी चलता है तो वो कंटिन्यूसली नहीं चलता बल्कि पैकेटों के रूप में चलता है और डिसकंटिन्यूस वे में चलता है और एक पैकेट की एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है जब भी सन सन से या किसी सोर्स से जो प्रकाश आता है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है और एक पैकेट जो होता है हम उसको क्वांटा कहते हैं या फोटोन हम इसको कहते हैं और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर यहाँ पर होती है जहाँ पर एच एक प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पर ये यह प्लांक कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस थर्टी जूल सेकेंड के बराबर यहाँ पर होती है और न्यू यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है तो ये एनर्जी एक पैकेट की होती है तो यहाँ पर उसका एक तरीके से स्पेक्ट्रम अगर हम कहें तो डिस्कंटीन्यूस वहाँ पर होता है और डिस्कंटीन्यूस वेव में यानी कि पैकेटों के फॉर्म में वहाँ पर एनर्जी हमें मिलती है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसके एनर्जी ये होगी न्यू प्रकाश की जो प्रकाश आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी है तो यहाँ से क्योंकि अगर हम देखें कि जो एनर्जी यहाँ पर ये यह है तो ईज ईकल टू एच सी अपॉन लैमडा क्योंकि न्यू को फ्रिक्वेंसी को हम वेवलेंथ और इसके स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर न्यू टू Uh, C अपॉन लैमडा हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये एक नया एक्सप्रेशन यहाँ पर निकल आ जाता है ये जो थ्योरी थी इन्होंने काफ़ी हद तक सभी चीज़ें फोटोलेक्ट इफेक्ट है जीमान इफेक्ट तक ये सब चीज़ें वहाँ पर सक्सेसफुली uh, वहाँ पर एक्सप्लेन किया और यहाँ से ही क्वांटम थ्योरी जो हम पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी का भी वहाँ पर ये औरिजिन uh, वहाँ पर होता है तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एलेवेंथ ट्वेल्थ या हम पॉलिटेक्निक पौ, स्टूडेंट्स के लिए है बाकी ग्रेजुएशन में जब पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो इसको और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए हमें इतना आइडिया यहाँ पर होना चाहिए तो यहाँ से आगे फिर आगे शुरू करेंगे तो जो एक ड्यूल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है और डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट है वेवलेंथ है वो क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे तो आज हम इतने रखते हैं थैंक यू जय हिंद